और आपको यहाँ पे एक अद्भुत चीज़ आपको दिखा दे हम कि यहाँ पे शराब पी कर फेंका गया है। शराब पी के आखिर फेंका तो फेंका कौन यहाँ पे? शराब सिगरेट यहाँ पे है, कौन फेंका? आप यहाँ पे गार्डिंग करते हैं, बताइए आप कौन फेंका शराब पी करके? नमस्कार, मैं हूँ आर्यन, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अभी हम इस मेन रोड पे खड़े हैं भागलपुर का। यहाँ से आप अगर 100 मीटर आगे जाएंगे तो यहाँ पे डीएम का कार्यालय आपको दिखेगा। इधर आप 100 मीटर जाएंगे, 200 मीटर तो आपको आगे दिखेगा घंटाघर। और बाकी हमारे सामने यहाँ पे BSNL का, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड का ऑफिस है। और यहीं से आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाने जा रहे हैं। और आज आपको एक खास चीज़ बता दें कि आज 15 अगस्त है, आज हम आज़ादी का एक पूरा बड़ा फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, यहाँ से एक अद्भुत चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं। नीतीश जी का योजना दारू बंद कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है उसको आज हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल हाईटेक दुकान है, एक बार दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो, जितने भी दुकान है सारे हाईटेक दुकान है। यहाँ पे HP वर्ल्ड है, अभिनय प्लाजा है, बाकी सारे अच्छे अच्छे दुकान है, लेनोवो के दुकान है, यहाँ पे लिवाइस के हैं, इंडियन के जितने गारमेंट्स के दुकान थी शॉप्स हैं, या सारे शॉप्स हैं, यूनाइटेड कलर्स एंड बेंटन के शॉप हैं। और आपको यहाँ पे एक अद्भुत चीज़ आपको दिखा दें हम कि यहाँ पे शराब पीकर फेंका गया है, शराब पीकर फेंका गया। यहाँ कहीं ना कहीं सत्ता शासन प्रशासन इसमें सम्मिलित होगा या फिर इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे शराब पी के फेंका गया। यहाँ से आपको बता दे, आगे दिखाओ, यहाँ से बिल्कुल 100 मीटर DM का कार्यालय है, यहाँ से बिल्कुल 100 मीटर DM का कार्यालय है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड का बहुत ही बड़ा ऑफिस है, बहुत ही बड़ा ऑफिस है। बाकी ये बिल्कुल हाईटेक रोड है, एकदम यहाँ पे हाईटेक लोग रहते होंगे, काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, फिर भी सत्ता शासन प्रशासन कहाँ बैठी हुई है, कहाँ? दारू पी के यहाँ फेंका जा रहा है बिल्कुल मेन रोड में, DM कार्यालय के बाहर। कितना शर्मनाक बात है। यहाँ पे सुब्रत कुमार सेन जी पोस्टेड हैं, उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए यहाँ पे दारू पी के कौन फेंक रहा है। यहाँ के आसपास के लोग ही फेंक रहे होंगे, बाहर के लोग तो आएंगे नहीं पीने के लिए। यहाँ पर मोदी जी तो पीने आएंगे नहीं, नीतीश तो पीने आएंगे नहीं, या फिर सुब्रत कुमार सेन तो नहीं पी के फेंकेंगे ना, आसपास के दुकानदार ही फेंके होंगे या फिर आस पड़ोस के लोग ही फेंकेंगे। यहाँ पे गार्ड जी भी हैं, गार्ड जी से बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये गार्डिंग करते हैं, आप यहाँ पे गार्डिंग करते हैं, आप यहाँ पे गार्डिंग करते हैं, सर आप पी के फेंका गया, इसका जिम्मेवार कौन होगा? अरे यहाँ पे हम बैठे थे सर, बाइक से आए। आप यहाँ पे गार्डिंग करते हैं, सर आप पी के फेंका गया, इसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन फेंका? आप गार्ड हैं, आप बताएंगे ना कौन फेंका? फेंका तो सर बाइक वाला आया, थैला रखा हुआ, चलते रह गया। हमसे क्या, यहाँ पे एक अज्ञात थैला भी रखा गया, आप दिखा दो कैमरे से एक बार, यहाँ पे अज्ञात एक थैला भी रखा गया है। शराब पी के आखिर फेंका तो फेंका कौन यहाँ पे? शराब सिगरेट यहाँ पे है, कौन फेंका? आप यहाँ पे गार्डिंग करते हैं, बताइए आप कौन फेंका शराब पी करके? बाइक वाला। कौन सा, कौन बाइक वाला फेंका है? अज्ञात बाइक था भाई, कोई अज्ञात बाइक फेंका। आपके पास इतने हाईटेक दुकान है, CCTV तो लगा होगा ना आपके पास? CCTV तो होगा ना? लगा तो है सर। लगा है तो आप जाँच करके इस पर संज्ञान लीजिए, जाँच कीजिए इस पर। आप क्यों नहीं जाँच कर रहे हैं? हम सर उत्तर दूर तक जा पाएंगे सर, हम तो आप गार्डिंग करते हैं, आप आगे कंप्लेन तो लेके जाएंगे ना, कौन जाएगा लेकर कंप्लेन, ये बताइए। आपके दुकान के सामने फेंका गया है, कौन इसका जिम्मेवार होगा? कौन जिम्मेवार होगा इसका? आप सर कानून कार्रवाई कीजिए, आप हम क्या बताएंगे? हम कार्रवाई करें, किस पे कार्रवाई करें? आप पे कार्रवाई कर दें हम, आप फेंके पी करके? सत्ता शासन प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगा। आप CCTV देखिए, कौन पीकर फेंका, जाँच कीजिए, कंप्लेन कीजिए, बाइक का नंबर उसमें नोट कीजिए। अगर आ रहा, अगर आस पड़ोस के मोहल्ले के लोग अगर पी रहे हैं उनको पकड़िए आप। सर आप जब बंद है पूर्ण रूप से, क्यों पिया जा रहा है इतने हाईटेक दुकान पे, इतने हाईटेक सड़क पे? यहाँ पे देख रहे हैं BSNL का ऑफिस है, 100 मीटर बगल में यहाँ पे DM का ऑफिस है, यहाँ से 200 मीटर आगे जाएंगे तो घंटाघर है। क्यों शराब पी के यहाँ फेंका गया है, कहाँ से आ गया ये? कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सवाल है। ये भैया भी गार्ड हैं, आप भागिए नहीं, अगर गार्डिंग कर रहे हैं तो आपको भागना नहीं है, बिल्कुल आप भाग रहे थे। ये बताइए शराब पी के यहाँ कौन फेंक रहा होगा? आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप डेली 24 घंटा यहाँ रहते हैं, कौन फेंका होगा? 24 घंटा काम रहते हैं सर, 8 घंटा तो जॉब कर रहे हैं ना आप, 8 घंटा तो कर रहे हैं ना, कौन फेंका होगा शराब पी करके? अपना का चिन्हने के लिए आते हैं, कौन फेंका है नहीं फेंका है। यहाँ के लोकल भैया हैं, आप लोकल हैं यहाँ से? हाँ लोकल ही हैं। लोकल, ये बताइए शराब पी के कौन फेंका है यहाँ पे? आस पड़ोस के लोग फेंकेंगे ना, तो कहा नहीं जा कोई दूसरे स्टेट से लोग आके फेंकेंगे नहीं, कहा नहीं जा सकता, लेकिन अनुमान तो हम यही लगा सकते हैं ना कि आसपास के लोग फेंके होंगे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आप बताइए, 100 मीटर आगे DM का कार्यालय है, इधर तो 200 मीटर घंटा घर है, बाकी यहाँ पे BSNL का बड़ा, बहुत ही बड़ा ऑफिस है, बाकी हाईटेक दुकान है, हाईटेक सड़कें यहाँ पे हैं, वेल मेंटेन है, शराब पी के फेंका जा रहा है। कहीं ना कहीं सत्ता शासन और प्रशासन को धोखा दिया जा रहा है, आँख में धूल झोंका जा रहा है। सही बात है। और इस पर कार्रवाई नहीं होता है, CCTV यहाँ पे बिल्कुल हर मोड़ पे लगा हुआ है, हर दुकान के सामने लगा हुआ है, लेकिन इसको जांच करवा के पकड़ा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं सत्ता शासन और प्रशासन में फॉल्ट है, तभी तो नहीं पकड़ा जा रहा है। सही बात। सुबह कचड़े वाले नगर निगम वाले आएंगे, इसको उठा ले जाएंगे, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा शराब पिया गया नहीं पिया गया। वही सिस्टम है जो उठा के फेंक रहा है, वही सिस्टम है जो पिला रहा है। कहीं ना कहीं यह कह ले नीतीश जी कि शराब बंद हुआ लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ,
बिकता है लेकिन बिकने का माध्यम दूसरा है। बिकता है बट दिखता नहीं है। बिकता है बट दिखता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि आया कहाँ से ये। सही बात है। ये तो क्या बोलते हैं, भूत की तरह आया। हाँ। अच्छा, गया दिखा नहीं। सही समझ लीजिए, मतलब जब शराब बोतल में भरा होता तो नहीं दिखता है, जब खाली हो जाता है तो रोड पर दिखने लगता है। दिखती है बोतलें, दिखती है खाली, शराब नहीं दिखती। बाकी हम आशा करते हैं डीएम सुब्रत कुमार सेन जी से कि आप इस पे जरूर एक्शन लेंगे। हाईटेक रोड है, सीसीटीवी लगा हुआ है, इसको आप देखिए, खंगालिए और पकड़िए कि कौन शराब बेच रहा है। हम सत्ता शासन और प्रशासन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसको आपको देखना होगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। बाकी कैसा लगा हमारा प्रयास आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।